आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता है। 85% लोग जो है व्हाट्सएप चलाते हैं लेकिन उसको व्हाट्सएप यूज कैसे करेंगे वो नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पूछ दिया जाता है कि भैया आपके व्हाट्सएप का QR कोड क्या है, तो वो बोलता है भैया हमको नहीं पता है कि मेरे व्हाट्सएप जो है उसका QR कोड क्या है, जबकि वो उसके ऊपर में ही होता है। वो उसको इग्नोर करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि वो जो है क्या है मेरे व्हाट्सएप का QR कोड। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके व्हाट्सएप जो है उसका QR कोड क्या है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन होते हैं तभी दूसरे पर्सन को शो होगा कि आप ऑनलाइन हैं। जब आप ऑफलाइन हो जाते हैं, मतलब अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, तो वो वहाँ पर जो है लास्ट सी शो करते रहता है कि आप इतने टाइम के तक आप जो ऑनलाइन थे, इसके बाद आप ऑफलाइन हो गए हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आप उसको कैसे हाइड करेंगे, कैसे छुपाएँगे अगर आप ऑनलाइन आ जाते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन हो जाते हैं, अगर आप हट जाते हैं व्हाट्सएप पर से, तो वो जो है किसी को शो नहीं करेगा कि आप कितने टाइम तक ऑनलाइन थे। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप 2-step वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। वो भी पर्सन अगर आपके व्हाट्सएप को चलाता है अपने मोबाइल पे, तो वो नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे कोई भी पर्सन आपका व्हाट्सएप को यूज करेगा, चलाएगा, तो उसके मोबाइल पर 6-digit का OTP मांगेगा। जब तक वो OTP नहीं देगा, जब तक जो है आपका व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर सकता है, खोल नहीं सकता है। तो मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ बताने वाला हूँ जो आप शायद ही जानते होंगे। हाँ, 85% लोग जो है व्हाट्सएप तो चलाते हैं लेकिन व्हाट्सएप को अच्छी तरीके से कैसे यूज किया जाता है वो नहीं जानते हैं। स्वराज, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप व्हाट्सएप को यूज करेंगे, व्हाट्सएप आप कैसे चलाएँगे। बस आप सिर्फ चैट ही नहीं कीजिए, इसमें बहुत सारे ऐसे आपको फंक्शन, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आप शायद ही जानते होंगे। तो वो आपको कैसे करना है, ये सेटिंग कैसे करना है, आप अच्छी तरीके से कैसे व्हाट्सएप को यूज करेंगे, ये सब देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से व्हाट्सएप को यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप इग्नोर नहीं कीजिए क्योंकि आपको इसमें बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। और व्हाट्सएप जो है अभी के टाइम में हर इंसान चलाते हैं लेकिन कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, वो उसको अच्छे तरीके से चलाना नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप को अच्छी तरीके से यूज करेंगे, चलाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डालिएगा व्हाट्सएप, यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर लिखिए WHATS इस तरीके से AWP, व्हाट्सएप आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है तो ऊपर में ही आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि व्हाट्सएप ऐप मैसेंजर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका व्हाट्सएप यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 billion प्लस में यह डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ से आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि इसका रेटिंग जो है 140 million है, तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड 5 billion में, आप समझ सकते हैं। यहाँ 27 MB का है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन है, आपको चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ 27 MB का आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देखिए कि 57-74% हो चुका है, तो इसको जो डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसको आपको यहाँ से ओपन करके दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए कि डाउनलोड हो गया है, यहाँ ओपन वाले आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। एग्री एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है कोड जो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं आता है
कुछ वेयर लगता है नहीं डिटेक्ट करता है, तो आपको इसमें डालना पड़ेगा जो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अगर अदर सिम लगा हुआ अदर मोबाइल में तो वहाँ पर आएगा, वो आपको वहाँ पे डाल देना है। सो देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, ये जो कोड है ये कोड आपको यहाँ पे डिटेक्ट कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पे 2-स्टेप वेरीफिकेशन कोड लगा रखा हूँ, तो यहाँ पर मांग रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2-स्टेप वेरीफिकेशन कोड लगा दीजिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 2-स्टेप वेरीफिकेशन कोड लगाएंगे। यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिए, परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप नया बना रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से कोई भी 2-स्टेप वेरीफिकेशन का कोड नहीं मांगेगा, आप डायरेक्ट आप इस पर इस तरीके से ओपन हो जाइए। चलिए मैं यहाँ से इसको स्केप कर देता हूँ, और यहाँ पर आप जो इस तरीके से डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ या हे लिख देता हूँ, तो इस तरीके से है, और यहाँ से अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो मैं पहले से लगा रखा, मैं आपको समझाने के लिए व्हाट्सएप बता रहा हूँ, तो ये सब जो मेरा पहले से इस पर बना हुआ है तो इसलिए ये सब आ रहा है। आप नया बनाइएगा तो फोटो वोटो कुछ नहीं आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोटो पर क्लिक कीजिएगा, आपको गैलरी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से आपको फोटो को चूज कर लेना है कि आपका फोटो कहाँ है या थिएटर है, इस पर क्लिक कर देना है, गैलरी पर जाना है और अपना जो है फोटो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं आप अपना फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको ढेर सारा फोटो मिल जाता है, या आप सिंपली बैक आएंगे इस तरीके से, आप जो भी लगाना चाहते हैं आप है इस तरीके से सेलेक्ट कीजिएगा फोटो, और वो फोटो आपको यहाँ पर आया। देखिए इतना पिक्सल बोल रहा तो नहीं लगेगा, तो इस यही सब जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, मैं गैलरी पे जाता हूँ, और यहाँ से जो भी फोटो है आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं ऐसा आता है तो यहाँ इससे जाएंगे, और इस तरीके से आपको चूज कर लेना कि आप कौन सा चीज़ लगाना चाहते हैं। इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये आ चुका है। इस तरीके से डन वाले पे क्लिक कीजिएगा और ये फोटो आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद लगने के बाद अगर आप जो है इमोजेस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इमोजेस का ऑप्शन है, इसमें से आप जो भी इमोजेस लगाना चाहते हैं इस तरीके से इमोजेस लगा सकते हैं। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रोसेसिंग चलने के बाद जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ये जो है अपडेट हो जाता है, और यहाँ पर आपका सभी जो भी आप अपडेट किए हैं जो भी लगाए हैं वो सारे आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि फिर से कोड मांग रहा है, आप ये कोड आपको यहाँ पे कोड नंबर डालना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप ये जो 2-स्टेप वेरीफिकेशन का कोड लगाएंगे, क्योंकि मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए चार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट चार्ट, ये सब आपको नया बनाएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जिससे भी चैट करना चाहते हैं इस तरीके से आप चैट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इससे चैट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, तो इस तरीके से यहाँ पे हाय लिख के यहाँ मैं सेंड करूँगा, तो देखिए ये जो हाय ये पर्सन तो जा चुका है। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप व्हाट्सअप को यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाके आप व्हाट्सअप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, वो आप व्हाट्सअप को डाउनलोड करके इसको ओपन कीजिएगा, तो ओपन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, वो मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई कर दीजिएगा, तो आपके सामने में पूरा कॉन्टैक्ट आ जाएगा। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप व्हाट्सअप को यूज करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, चैट, स्टेटस और कॉल्स का। यहाँ से आप जो भी कॉल कीजिएगा या कॉल आएगा वो यहाँ पे शो होगा, स्टेटस आप यहाँ से लगा सकते हैं, तो यहाँ पे अपना पिक वाले पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे पिक वाले पे क्लिक करने के बाद आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बारकोड लगाना चाहता हूँ मैं अपने व्हाट्सअप पर, तो मैं यहाँ जो बारकोड पे क्लिक करूँगा, अब जो भी आप लिखना चाहते हैं इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आप लिख दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय, और यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। जैसे इस पर सेंड करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेंडिंग का ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर देखिए कि आप ये प्रोसेसिंग चल रहा है, और यहाँ पर देखिए आपका ये सेंड हो चुका है। ये 24 घंटे के लिए आपका ये स्टेटस आपके व्हाट्सएप पे लगा रहेगा। इस पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपका जो है लगाया है स्टेटस वो आपके यहाँ पे इस तरीके से चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कुछ टाइपिंग वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हाय देता हूँ और यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ, तो ये जो है इस तरीके से हाय सेंड हो जाएगा। यहाँ पे थिएटर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आप यहाँ से जो है इसको डिलीट करके हटा सकते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिए कि इसको डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, और शेयर फेसबुक भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि योर स्टेटस, यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो स्टेटस है 24 घंटे के लिए ये इस पर रहेगा, इसके बाद ये यहाँ से ऑटोमेटिकली आप ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं, और किसी को चैट वगैरह करना है तो आप बहुत ही आसानी से इसको चैट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए मैं यहाँ पर चैट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर्सन के यहाँ पर मैं चैट करूँगा, तो इसे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप कुछ भी चैट इसको इस तरीके से चैट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए सेंड किया और ये चल गया इस पर्सन को। सो इस तरीके से गाइस आप किसी भी पर्सन को यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, जो शायद ही कोई जानता होगा
क्योंकि व्हाट्सअप 85% लोग चलाते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज किया जाता है वो जो है नहीं जानते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो स्पेशली है। तो यहाँ ऊपर में आप देख रहे हैं 3 डॉट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और सबसे नीचे आना, यहाँ सेटिंग है, सेटिंग वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर लिखिए हे लिखा हुआ है और यहाँ मेरा जो है पिक वगैरह, तो यहाँ पर अपना पिक वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है देख रहे हैं कि जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और गैलरी में से जाके अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो गैलरी वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करके आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ क्योंकि मेरा यह पहले से लग चुका है। अगर आपको शेयर करना है ये पिक जो है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आइकन बना हुआ है साइड में, इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आज है आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे अबाउट लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर आपका आ जाता है। इस तरीके से मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका ये वार कोड है, ये वार कोड शायद ही किसी को पता हो। किसी पर्सन को अगर बोल दिया जाता है कि भैया आपके व्हाट्सअप का वार कोड क्या है, तो वो बोलता है अब हमको पता नहीं है, जबकि ये वार कोड है। तो आप यहाँ से शेयर वाले पर क्लिक करके आप जो है ये वार कोड किसी को भी शेयर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके व्हाट्सअप का वार कोड है, यहाँ से आपका माई वार कोड है, यहाँ से आप वार कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो इस वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिए आपका इस वार कोड है, आपको जो नीचे कुछ भी रख के इस तरीके से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई भी पर्सन आपको भेजता है वार कोड, तो उसको स्कैन करके बहुत ही इजी तरीके से उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ अकाउंट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, सबसे पहला है प्राइवेसी का, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन होते हैं तभी आपको शो करेगा कि भैया ये पर्सन ऑनलाइन है। जब आप व्हाट्सएप पर से ऑफलाइन हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो किसी को कुछ भी शो नहीं करेगा कि आप कितने बजे तक आप ऑनलाइन थे। तो वो सेटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए कि लास्ट सी है, आप इस पर क्लिक कर देना है। अगर एवरी वन रखते हैं तो जितने भी पर्सन है आपको कॉन्टैक्ट आपका नंबर है वो सेव करके वो जान सकता है कि आप जो है कब ऑनलाइन हुए कब ऑफलाइन हुए वो जान सकता है। यहाँ पर जो है माई कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके सिर्फ वो जानेगा पर्सन कि आप जो भी मोबाइल में आपका जो पर्सन का नाम मोबाइल नंबर सेव है वही पर्सन आपको जो है ये देख सकता है कि आप कितने टाइम तक ऑनलाइन थे। यहाँ नोबडी कर दीजिएगा तो कोई भी नहीं देखेगा कि आप कितने टाइम तक ऑनलाइन थे, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो है ये ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो है, प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, आप जिसको भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक कीजिएगा, तो वो सारे पर्सन देखेंगे जो आपको देखना चाहते हैं। अगर माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ माय को आपके मोबाइल मोबाइल में जो भी पर्सन को आप ऐड किए हुए सेव किए हुए वही देखेगा, और नो बॉडी कर देते तो कोई भी नहीं देखेगा। चलिए हम यहाँ पर माय कॉन्टैक्ट वाले पर क्लिक करके रख देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये देखें, और लास्ट सी हम चाहते हैं कोई नहीं देखे, तो यहाँ पर नो बॉडी कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अबाउट वाले पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अबाउट में आप जो भी लिखिएगा, जैसे है गाज हेलो गाज, जिसमें आपको शुरू में दिखाया हूँ, तो यहाँ पे भी मैं माय कॉन्टैक्ट ही रहने देता हूँ। इसके अलावा स्टेटस में आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो आपको अगर माय कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो वही देखेगा आपके जो भी मोबाइल में सेव है। यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके वो पर्सन देखेगा जिसको आप दिखाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओनली शेयर विथ पे क्लिक करके आप किसको आप शेयर करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, तो वही यहाँ पे आपको देखेगा। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से हटा देंगे, इसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना, तो ये जो है आपको वही देखेगा जिसको आप दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रुप का, तो यहाँ पे आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप किसको दिखाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे एवरी वन, माई कॉन्टैक्ट या यहाँ पे माई कॉन्टेस्ट एक्सपर्ट पे, इस पर क्लिक करके आप किसको दिखाना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो वही आपको देखेगा, मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इग्नोर करके यहाँ से मैं हटा दूँगा। यहाँ पे है लाइव लोकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना लाइव लोकेशन इसमें ऐड करके आप इसको रख सकते हैं और आपको कोई पर्सन चाहेगा कि कहाँ पे है तो उसको ट्रैक कर लेगा आपको कि आप कहाँ। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लॉक कॉन्टैक्ट का, यहाँ पर देखिए मैं 3 पर्सन को यहाँ ब्लॉक कर रखा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, जिसको भी ब्लॉक किए रहेगा। तो इसमें कुछ इस तरीके से ये फीचर मिल जाता है जो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है। ये जो है ट्रिक बहुत ही कम आदमी को पता होता है कि कैसे क्या सेटिंग करना है। सब जो अगर आप यहाँ पर सीधे यहाँ पे एवरीवन यहाँ पे इस तरीके से सब कर दीजिएगा तो वो सभी आदमी देखेगा जो आपको देखना चाहता है। कोई भी पर्सन जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर को अपने मोबाइल नंबर में सेव करके आपको वो देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नो बॉडी कर देते हैं, अगर यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट कर देते हैं, तो वो वही पर्सन देखेगा जो आप सेव करके रखे हुए हैं, आप अपने मोबाइल में सेव करके रखे हुए हैं,
तो वही पर्सन देख सकता है जिसको आप सेव कर कर रखे हुए हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता है। अगर यहाँ पर आप एवरीवन कर देते हैं तो आप जो है आपका कोई भी देख सकता है, कोई भी पर्सन जो है आपका मोबाइल नंबर सेव कर लिया अपने मोबाइल में वो आपको देख सकता है। तो ये जो है बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है जो आपको अपने व्हाट्सएप में सेटिंग करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आपको और भी सेटिंग मिल जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए कि चेंज मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो भी ओल्ड मोबाइल नंबर जो बनाए हुए व्हाट्सएप वो डालना है, न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, नेक्स्ट करना है, तो आपको नया मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप बन जाएगा। यहाँ पे है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका अकाउंट वगैरह आ जाता है। यहाँ पे जो है डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करके अपना जो है ये जो अकाउंट है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कंट्री चूज कर लीजिए जो भी कंट्री से है, इसके अलावा यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं इसमें और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कि आपका ऑप्शन मिल जाता है चैट का, तो इस पर भी क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है आप डिस्प्ले का जो है थीम चेंज कर सकते हैं, लाइट या डार्क, मैं डार्क वाले पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए डार्क हो चुका है, चलिए मैं यहाँ पे लाइट ही कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से वाल वाले पे क्लिक करना, वॉलपेपर वाले पे, और यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर, तो जो भी रखना चाहते हैं वॉलपेपर इस तरीके से सेलेक्ट करना है, और जो भी वॉलपेपर रखना चाहते हैं इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है वॉलपेपर कि हम कौन सा वॉलपेपर रखना चाहते हैं। तो जो भी वॉलपेपर रखना चाहते हैं आप इस तरीके से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। जैसे मैं इस तरीके से ये वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया हूँ तो ये जो है यही वॉलपेपर रहेगा। या मैं यहाँ से सेट वॉलपेपर पर क्लिक करूँगा तो ये जो वॉलपेपर वहाँ पर हो जाएगा व्हाट्सअप में, मैं वो भी दिखाऊँगा कि ये वॉलपेपर सेट हुआ है या नहीं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि चैट सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो है फ्रंट साइज कर सकते हैं कि आप चैट जो करना चाहते हैं वो बड़ा अक्षर में करना चाहते हैं या स्मॉल में या लार्ज में, तो वो आपको यहाँ से सेटिंग कर लेना। तो मैं मीडियम ही रहने देता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश बहुत सारा भाषा है, देखिए हिंदी हो चुका, मैं हिंदी किया हूँ, इस तरीके से मैं इंग्लिश कर देता हूँ तो ये इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पे चार्ट ब्रेक पर क्लिक करके अपना चार्ट को ब्रेकअप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेकअप गूगल ड्राइव, यहाँ गूगल अकाउंट, यहाँ ब्रेकअप ओवर, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे चार्ट हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करके जब एक्सपोर्ट चार्ट है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से किसी को भी। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर चार्ट जो चाहते हैं कि जो भी चार्ट है उसको, मैं यहाँ पर देखिए डिलीट मीडिया चार्ट और डिलीट स्टेट चार्ट, जो भी चार्ट आपको डिलीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि डिलीट ऑल चार्ट, जितने आप आदमी से बात किए हुए हैं वो सारे के सारे आप चार्ट चाहते हैं डिलीट हो जाए तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इतना फंक्शन भैया आपको शायद ही कोई बताया होगा, देखिए मैं डिलीट कर दिया हूँ तो जो भी जिससे भी मैं बात किया होगा वो सारे के सारे डिलीट हो गया होगा। इस तरीके से मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे जो मैं इस तरीके से पर बैक और आ जाता हूँ बैक, और यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका स्टोरेज और डाटा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कि मैनेज स्टोरेज, यहाँ पे नेटवर्क यूज, यहाँ पे देखिए कि वैन यूज मोबाइल डाटा, यहाँ पे आप कनेक्शन वाईफाई और यहाँ पे रोमिंग। इस तरीके से हम देख आते हैं, यहाँ हेल्प वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए कि ऐप इन्फो, ऐप इन्फो वाले पे क्लिक करना है और ये जो है आपका ऐप जो है व्हाट्सअप जो है इसका इन्फॉर्मेशन है और ये इसका लाइसेंस है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक बार फिर से देख आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस पे क्लिक करके अपना टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे गूगल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक आया तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस है, इस पर क्लिक करके आपको जितने व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट रहेंगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड स्क्रीन और ये ऑप्शनल है, इसमें आप ऐड कीजिए या नहीं कीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैं बैक आता हूँ। यहाँ हेल्प सेंटर है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से आप इसमें जाके हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए इनवाइट ए फ्रेंड, इस पर क्लिक कीजिएगा और जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है पर्सन को ये जो इनवाइट चल जाएगा वो आपको ऐड करके वो देख सकता है। चलिए मैं यहाँ से इस तरीके से मैं बैक आया। तो गाइस इस तरीके से है, ये कुछ सेटिंग है जो आप कर लीजिएगा तो आपको जो है व्हाट्सएप बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही शानदार हो जाएगा और आपका व्हाट्सएप जो है कोई भी अदर पर्सन चला भी नहीं पाएगा। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप किसी को भी चैट कीजिएगा। तो यहाँ पे चैट वाले पे जाना है और यहाँ पे देखिएगा आप जिससे भी चैट करना चाहते हैं तो उसको आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक पर्सन को। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी को भी सेलेक्ट कर लेना जिससे भी आप बात करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस पर्सन से बात करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इसमें ढेर सारा है और ढूंढने में टाइम लगता है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखिए इस पर्सन को सर्च कर लिया हूँ, इस पर क्लिक कीजिएगा
और यहाँ पर देखिए कि मैं ये फ़ोटो लगाया था तो ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। तो आप जो भी फ़ोटो लगाया रहिएगा वो फ़ोटो आपका आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय और इस तरीके से मैं सेंड कर दूँगा तो ये जो है चार्ट जा चुका है, ये जो है पर्सन को ये मैसेज जा चुका है। तो यहाँ से इस तरीके से गाइस मैं बैक आता हूँ, अभी फिर से दिखाता हूँ। इस तरीके जाइएगा व्हाट्सएप में जाइएगा और यहाँ पर देखिए ये पर्सन को आप हाय बोले हैं तो आ चुका है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यही फ़ोटो आएगा। अब चाहते हैं कि ये फ़ोटो हट जाए तो फिर किसी आने के लिए बैक आना है। बैक आने के बाद फिर उसको जाना है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे चार्ट्स वाले पे। तो इस पर जाने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर है, इस पर क्लिक कर देना है। ये फ़ोटो था, ये फ़ोटो को हटाना है, इस पर क्लिक कीजिएगा और जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं फ़ोटो का आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटो लगाना चाहता हूँ कोई भी फ़ोटो इसमें से, तो मैं इस तरीके से ये फ़ोटो इसमें से चूज कर लूँगा। तो आपको जो भी फ़ोटो लगाना है आप इस तरीके से फ़ोटो को चूज कर लेंगे। चलिए मैं इसमें से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यही फ़ोटो यहाँ पर रहेगा। फ़ोटो का एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से आगे पीछे करके। अगर फ़ोटो अच्छा नहीं लगता है तो सिंपली बैक करके हटा सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो फिर रहने दीजिएगा और यहाँ पर सेट वॉलपेपर पर क्लिक कीजिएगा तो यह फ़ोटो सेट हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से बैक आना है और फिर से आपको व्हाट्सअप को ओपन करना है और यहाँ पर देखिए कि गुरु जी है, इस पर क्लिक कीजिएगा और देखिए ये फ़ोटो आ चुका है। इस तरीके से आप जो है चैट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सेंड किया तो ये जा चुका है। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप सेटिंग में जाके अपने व्हाट्सअप को इस यहाँ से सेटिंग कर लीजिएगा और इसको आप अच्छी तरीका से यूज भी कर सकते हैं और आपको कोई भी पर्सन ट्रैक नहीं कर सकता है कि आप कहाँ है। इसके अलावा आप क्या चीज़ लगाए हुए हैं, क्या चीज़ नहीं लगाए हुए हैं, कौन सा फ़ोटो लगाए हुए हैं, क्या बार कोड है, वो वगैरह वगैरह आपको जो है अदर कोई भी पर्सन नहीं देख पाएगा। वही देखेगा जिसको आप अपने मोबाइल में सेव किए रहिएगा। या आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखा सकते हैं। या जिसको भी दिखाना चाहते हैं उसको आप दिखा सकते हैं कि हम ये लगाए हुए हैं और ये हम हैं। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार तरीका है, एक बार इसको यूज कीजिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से आप व्हाट्सअप को यूज करेंगे चलाएंगे, वो भी बहुत ही प्रोफेशनल तरीका से बहुत ही अच्छी तरीका से। आप हर सेटिंग कर लीजिए इसके बाद चलाइए, कोई भी पर्सन आपको जो है ट्रैक नहीं कर सकता है कि आप कहाँ पे है और आप बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से आप अपने व्हाट्सअप को यूज कर सकते हैं चला सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।